इजाजत है जी। ये रस्सियां तो खोल दो, ये तो अब उतार दो, ये रस्सियां तो खोल दो, ये तो अब उतार दो, हम आदमी नहीं है क्या, हमें भी इख्तियार दो। ये रस्सियां तो खोल दो, ये तो अब उतार दो, हम आदमी नहीं है क्या, हमें भी इख्तियार दो, हमें भी इख्तियार दो कि हम भी गुफ्तगू करें, हमें भी इख्तियार दो कि हम भी गुफ्तगू करें, हमारे अपने जश्न हों, हम अपनी हाव हू करें, हमारे अपने जश्न हों, हम अपनी हाव हू करें, हमारे रोज़ो शब रहीने इज़ने गैर किस लिए, हमारे रोज़ो शब रहीने इज़ने गैर किस लिए, तुम्हारा कुछ लिया नहीं तो हमसे बैर किस लिए, तुम्हारा कुछ लिया नहीं तो हमसे बैर किस लिए, और हवस अगर खुली रही तो प्यार मरता जाएगा, हवस अगर खुली रही तो प्यार मरता जाएगा, तुम्हारा जबर इस फिजा में जहर बरता जाएगा, और तुम्हारे हक में जो भी कोई दलील है फजूल है, तुम्हारे हक में जो भी कोई दलील है फजूल है, जमीन मालकों की है मुसलमा असूल है, जमीन मालकों की है मुसलमा असूल है, और सब दलीलें बेसरोपा सब फसाने मुस्तरद, सब दलीलें बेसरोपा सब फसाने मुस्तरद, वो जो यहाँ आए हैं बस कब्जा जमाने मुस्तरद, सब दलीलें बेसरोपा सब फसाने मुस्तरद, जो यहाँ आए हैं बस कब्जा जमाने मुस्तरद, और यूं तो सब दुनिया के परचम और तराने मोहतरम, यूं तो सब दुनिया के परचम और तराने मोहतरम, जो हमें जुटलाए वो परचम तराने मुस्तरद, जो हमें जुटलाए वो परचम तराने मुस्तरद, और तुम भले सूरज को जिंदानों में बंद करते रहो, तुम भले सूरज को जिंदानों में बंद करते रहो, रोशनी करती रहेगी कैद खाने मुस्तरद, रोशनी करती रहेगी कैद खाने मुस्तरद। और एक नज़म सुना देता हूँ कच्ची बस्ती के, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलें कहाँ पे जाएं, कहीं भी जाओ यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलें कहाँ पे जाएं, कहीं भी जाओ यहाँ से निकलो, मगर हमारे तो घर यही हैं, तुम्हारे घर थे पर अब नहीं हैं, हमारे दस्ते हवस की दस्तक तुम्हारी बस्ती पे हो चुकी है, हमारे दस्ते हवस की दस्तक तुम्हारी बस्ती पे हो चुकी है, कवाड़ खोलो उठाओ गठड़ी यहाँ से निकलो, मगर अगर मगर कुछ नहीं चलेगा, अगर मगर कुछ नहीं चलेगा, हटाओ अपने ये लाल परचम इन्हें भी गठड़ी में साथ रखो, अगर कहीं झोंपड़ी बना ली तो उसकी कच्ची मुंडेर पर शोक से लगाना, यहाँ मत आना, यहाँ तुम्हारी गलीज बस्ती के नक्श तक भी नहीं मिलेंगे, यहाँ बनाएंगे हम प्लाजे हसीन बंगले, अमीर बच्चों की दरसगाहें नफीस होटल, तुम्हारे बेकार जर्द ख्वाबों के सब्ज मक्तल, के जिन पे लहराएगा हमारा ये सब्ज परचम, ये परचमों में अजीम परचम अताए रब्बे करीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम अताए रब्बे करीम परचम, याद नहीं है। तो एक और नज़म सुनाता हूँ आखिरी, उशाक जहां आरा सैयद, तुम एक खूबसूरत समझदार और बाहया तालबा हो, तुम्हें ये गुमा है या शायद यकीन है या तुमने किसी से सुना है कि हम इन हवाओं के रुख के मुखालिफ अगर चल रहे हैं तो इसमें हमारा कोई फायदा है, कि हम इन हवाओं के रुख के मुखालिफ अगर चल रहे हैं तो इसमें हमारा कोई फायदा है, कोई माल और दौलत या शोहरत या आदत या कोई इबादत या सरसब्ज जन्नत नहीं जाने मन, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं जाने मन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, यहाँ माल और दौलत या ओहदा या शोहरत या आदत इबादत या जन्नत की हसरत के मारे मुसाफिर अगर आ भी जाएं नहीं चल सकेंगे, ये मंडी नहीं है, यहाँ माल और दौलत या ओहदा या शोहरत या आदत इबादत या जन्नत की हसरत के मारे मुसाफिर
अगर आ भी जाएं नहीं चल सकेंगे, ये मंडी नहीं है, ये उशाक है, इनमें कोई भी कातल या डाकू या राशि या बनिया या भड़वा या रंडी नहीं है, इनमें कोई भी कातल या डाकू, ये उशाक है, इनमें कोई भी कातल या डाकू या राशि या बनिया या भड़वा या रंडी नहीं है, ये वो सख्त जहां हक तलब जोफिशां सर बकफ दिल तपा कारवां, ये वो हक तलब सर बकफ दिल तपा कारवां जिन पे अर्जी खुदाओं की लोहे मुकद्दस के इनकार का एक इल्जाम है और हमेशा से है, फायदे की गलाजत नहीं चाटते, फायदे की गलाजत नहीं चाटते, अपनी नस्लों के पांव नहीं काटते, ये बकाऊ नहीं है। जहां रा सैयद हवा के मुखालिफ सफर करने वाले मुसलसल मुसाफिर बड़े बेतलब हैं, बहुत बेरिया हैं। हवा के मुखालिफ सफर करने वाले मुसलसल मुसाफिर बड़े बेतलब हैं, बहुत बेरिया हैं, यानी यूं समझ लो कि ये सूफिया हैं। ये भेड़ों के रेवड़ में होते तो हैं पर ये उनसे जुदा हैं। खुदा हवा के मुखालिफ सफर करने वाले मुसलसल मुसाफिर बड़े बेतलब हैं, बहुत बेरिया हैं, यानी यूं समझ लो कि ये सूफिया हैं। ये भेड़ों के रेवड़ में होते तो हैं पर ये उनसे जुदा हैं। खुदा इनके नक्शे कदम देखता है तो फिर सोचता है, अगर मैं खुदा हूं तो ये लोग क्या हैं, अगर मैं खुदा हूं तो ये लोग क्या हैं। जहां आ रहा सैयद, तुम एक खूबसूरत समझदार और बाहया तलबा हो, तुम्हें राय रखने का हक है। तो मैं एक दफा फिर आप सब अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं। एक वो छोटे कमरे वाली सुना देता हूं जो याद है, असल में मेरा मोबाइल ऑफ है तो इस वजह से मैं निकाल नहीं सकता हूं। इतने छोटे कमरे में तुम कहां चली आई? शुजैब भाई, ये हॉस्टल लाइफ की 2001 की है शायद। इतने छोटे कमरे में तुम कहां चली आई, देखो कैसी हालत में यार लोग रहते हैं। इतने छोटे कमरे में चार लोग रहते हैं, भीड़ है किताबों की, बास है शराबों की, देखो छत से लटकी हैं लाशें कितने ख्वाबों की। भीड़ है किताबों की, बास है शराबों की, देखो छत से लटकी हैं लाशें कितने ख्वाबों की। और ये जो दीवारें जिनमें हम मुकैद हैं, कान भी नहीं रखती, ये हमारी सब बातें हमको ही सुनाती हैं। और ये जो तस्वीरें हमने इन पे टांकी हैं, ये हमारी हालत पर सिर्फ मुस्कुराती हैं। ये बेचारी तस्वीरें शोख रंग हैं जिनके पैरहन सलामत हैं, सोचने से आ रही हैं, ये अभी कुंवारी हैं, ये कहां से समझेंगी। तार तार हैं जज्बे, सोच सर बरीदा है, जिंदगी का पैरहन किस कदर दरीदा है। सिगरेटों के चंद टुकड़े और ताश के पत्ते, जाम की कोई बोतल, तीन चार तस्वीरें, दौर ये किताबों का, हिजर के अजाबों का, रोज कत्ल ख्वाबों का, सिर्फ एक कमरे में, वो भी इतना छोटा सा जैसे जेल का कमरा, वो भी इतना छोटा सा जैसे जेल का कमरा, जिंदगी की पटरी पर जैसे रेल का कमरा, रेल के मुसाफिर से इतने छोटे कमरे में बात कैसे कर लोगी, शोर में शराबों में रात कैसे कर लोगी। इतने छोटे कमरे में लड़कियां नहीं आती, तुम कहां चली आई, तुम कहां चली आई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जो मुंतजमीन हैं और जो ये हमारा यूनिट है रक्कड़ का और ये धार का यूनिट, ये मुश्तरका तौर पर इन्होंने ये प्रोग्राम किया है। मैं आप सब जितने नौजवान हैं, हाँ जी जी, हाँ जी।